हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। आज हम लोग सुगा बांध में पिकनिक मनाने आए हुए हैं। पिकनिक का तैयारी चल रही है अभी जोर शोर से। यहाँ जो है फ्रेंड लोग पिकनिक का व्यवस्था कर रहे हैं। मटन आज बनाने का प्रोग्राम है, लगे हुए हैं। एक भैया है जो कि डाल्टनगंज से आए हुए हैं, एक विभूति है मेरा भाई और एक चंदन जी हुए ये। हम लोग सभी आ चुके हैं सुग्गा बांध में पिकनिक मनाने आए हुए हैं। आज देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ भी है। देखिए एक व्यक्ति मांदर लेकर आ चुका है हम लोगों के बीच में, हम लोगों का मनोरंजन कर रहा है ये। वैसे ये घूम घूम कर सभी जगह पिकनिक जहाँ जहाँ पे मना रहे हैं वहाँ पे घूम फिर रहे हैं। भीड़ देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ है यहाँ पे। न्यू ईयर को लेकर काफी उत्साहित है सभी व्यक्ति। आप देखिए यहाँ सभी कोई पिकनिक मनाने में लगे हुए हैं। जहाँ देखिए वहीं पे खाना बनाया जा रहा है। ये सुग्गा बांध है, बहुत अच्छा जगह, खूबसूरत जगह है ये पिकनिक मनाने के लिए। देखिए उधर सारे कोई पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पिकनिक मनाने का व्यवस्था कर रहे हैं, अभी जस्ट आए हैं। इस तरह से हमारे कुक लगे हुए हैं, खसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं अमित भैया। बहुत ही लजीज खसी बनने वाला है और आप देख रहे हैं कि मिर्चा और लहसुन और प्याज तैयार हो चुका है। यहाँ देखिए मेरे फ्रेंड लोग मटन बनाने में लगे हुए हैं और मैं निकल पड़ा हूँ सुग्गा बांध का मनोरम दृश्य का आनंद लेने। आप भी मेरे साथ सुग्गा बांध को देखिए, बहुत खूबसूरत जगह है ये। डाल्टनगंज से आने में 80 किलोमीटर पड़ेगी और यदि महुआ डार से जाइएगा तो 23 किलोमीटर है। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे पर्यटक आए हुए हैं। लोद फॉल की भी दूरी यहाँ से नज़दीक है, लगभग 35 किलोमीटर यहाँ से लोद फॉल है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं पहले सुग्गा बांध घूमेंगे, उसके बाद लोद फॉल जाते हैं। और लोद फॉल थोड़ा कंजस्टेड है, इसलिए पिकनिक मनाने के लिए यहीं पे ज़्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। और अब हम लोगों का लगभग 5:30 बज चुका है और हम लोग अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है यहाँ से सभी को घर जाने के लिए बोल रही है। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, यदि आपको भी पिकनिक बनाना है तो फिर चले आइए। वेल कनेक्टेड है, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अभी न्यू ईयर बोल के पगला गया है, लगभग 6 बजने वाला है। हो जाएगा फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। शाम का खूबसूरत दृश्य देखिए, प्रशासन वगैरह भी यहाँ पे मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह किसी भी पर्यटक को किसी असुविधा न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल।